आपको मैं यहाँ पे एक मिनी ब्लॉग बना रहा हूँ बर्फ में, क्योंकि इस वीडियो को अभी बनाएगा और अभी ही अपलोड कर दूंगा। बाकी देख सकते हो गाइस, नज़ारा कुछ इस तरह का है जोजला टनल का, और इसके मैं आपको इन शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दूँ कितना काम हुआ है, क्या सीन है, कितना काम चल रहा है। पहले बात करते हैं मेन टनल, आपको मैं शो नहीं करूँगा वहाँ का सभी, क्योंकि मेरे पास है नहीं क्लिप। बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ का जो 8 किलोमीटर का माइल स्टोन क्रॉस हो चुका है और बहुत सेट मिला के, क्योंकि यानी इस बालतल सेट से थोड़ा ज़्यादा काम क्लियर हुआ है, कुछ 50 मीटर ज़्यादा काम में चल रहा है। और इस तरह से यानी ईस्ट पोर्टल मीना मार्ग सेट से करीब 4 किलोमीटर होने वाला है, तो इस तरह से कुल 8 किलोमीटर का मैराथन क्रॉस हो चुका है। बाकी यहाँ से भी अच्छा नहीं आ रहा, बट कुछ इस तरह का कैमरा करना पड़ता है, लोकेशन आगे की ओर रखना पड़ता है, तब जाके व्यू अच्छा रहा है। बाकी ये आप जो लोकेशन देख रहे हो, अपडेट आपको मैंने सीधा दिया वहाँ पे जो मेन टनल का था, एक्सकवेशन इतना कम्प्लीट हुआ है, ब्रेक थ्रू होएगा। जस्ट 1.5 साल का टारगेट रखा हुआ है, जो यहाँ पर मेगा के स्टाफ्स ने कहा था पिछले टाइम जो मैंने वीडियो डाल दिया था उसमें। बाकी देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर जो मेन टनल स्टार्ट होता है यहाँ से आगे जाते हैं दोस्तों, ऐसा जो हाईवे रोड आगे गैंट्री कटन का वजह से करते हैं, यहाँ से जो बालतल मेन टनल तक करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, तो ऐसे करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। यहाँ में कोई टनल नहीं, बस ऐसे गैंट्री बनाया जा रहा है, आप कटन कवर कह सकते हो। और ये रहा सेकेंड टनल वाले की जो फेस, यहाँ से दोस्तों आगे टनल सेकेंड के डोर ट्यूब यहाँ पर, और इस तरह से एंड फेस ये क्रॉस करके इसकी लंबाई जो यहाँ से जो टनल जा रहे ऊपर की ओर यानी उस साइड रहा, उसकी लंबाई 2 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ से ये टनल क्रॉस होते आइए और एक टनल, उसके बीच में एक रिवर फ्लो होती है, तो वहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है दोनों फेस के लिए, अलग है 2 ब्रिज, तो वो भी रेडी हो चुका है। उससे आगे फिर जो टनल 1 स्टार्ट होता है वहाँ पर भी 2 फेस, तो वो भी रेडी हो चुका है। फिर उस टनल के बाद जो आगे अगर बात करें प्रोग्रेस की, काम की क्या सीन है वहाँ पे, तो ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज 3 उसका नाम लेट किया, क्योंकि कुल 4 ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उस ब्रिज के नाम ब्रिज 3 लेट किया हुआ है, तो उसकी लंबाई 460 मीटर उस अकेला ब्रिज की लंबाई है, तो उसका कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है। एंड अगर वो कम्प्लीट होगा ना दोस्तों, आप यहाँ से सीधे डायरेक्टली जा सकते हो सोनामर्ग, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरी तरफ से काम। इस रोड से आप टनल थ्रू होके आगे डायरेक्टली सोनामर्ग पहुंच सकते हैं अगर ब्रिज 3 रेडी हुआ तो। बाकी आगे ब्रिज 1 ब्रिज 2 जो रिमेनिंग बचता है वो कम्प्लीट है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई रंग वंग करने का काम बाकी, वहाँ से एक्सकवेटर जा रहा है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मिनी व्लॉग में पूरी तरह। बाकी शॉफ्ट का काम फिलहाल रुका हुआ है, वैसे जस्ट ये मीना, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट किया जाएगा, फिर आपको मैं अपडेट दूँगा। सो इतना ही, तो ये रहा आप लोगों के लिए मिनी व्लॉग, सो इतना ही दोस्तों, बाकी मिलेगी फिर से नेक्स्ट वीडियो पर। यहाँ पे प्लांट, ये प्लांट चल रहा है, जो वहाँ पे एक प्लांट है दोस्तों वर्कशॉप के पास, वो बिल्कुल बंद है, ये वाला प्लांट चल रहा है। तो प्लांट क्या होता है, बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि यहाँ से सप्लाई किया जाता है कंक्रीट, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इस प्रोजेक्ट लाइन में यूज़ करने के लिए। बाकी यहाँ के देख सकते हो नज़ारा हमारा वर्कशॉप का, तो ये देख सकते हो वहाँ पर प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल बंद है, और इस एरिया में कुछ इस तरह का आज का नज़ारा है, कुछ ख़ास बर्फ़ हुआ नहीं जैसा हमने प्रोडिक्शन रखा था कि होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं, फिर भी ठीक है यार, कम से कम धूल तो चला गया। आज थोड़ा बंदा लेट पहुँचेगा क्योंकि बर्फ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोड से लिख रही है। नहीं दोस्तों, बाकी मिलेगा फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।